अपना करार प्रहार किया साहब ने आकर कुरीतियों पर, इसलिए कबीर साहब को क्रांतिकारी संत कहते हैं। इतने तड़ाके से कबीर साहब ने खंडन किया शेरदिल, उनको तो पता था मुझे कोई मार नहीं सकता, पांच तत्व तो मुझे ख़त्म नहीं कर सकते हैं, क्योंकि विदेह शरीर था, हते विदेह पर दर्शे देही, सतलोक से आए थे। तड़ाके से विरोध किया उस समय जबकि कुरीतियाँ चरम पर थी, छुआछूत चरम पर थी, भ्रांतियाँ टोना टोटका जादू झड़ी इंसानों की बलि दी जाती थी, बरसात नहीं हुई आदमी की बलि कराते थे तांत्रिक, उस समय आए वीरों का डंका पीट दिया कबीर साहब ने और इन चीज़ों का खंडन किया। कैसा खंडन किया सुनो, देखो भव सागर है अगम अपारा, तामे भूल गए संसारा, पार लगन को हर कोई चाहे, बिन सदगुरु कोई पार न पावे, जग जीवन से कहूँ गोराई, सदगुरु केवट पार लगाई। केवट कहते हैं नाव चलाने, सदगुरु पार लगाया। यह जग भूल गयो मझधारा, सदगुरु भक्त भय भव पारा, सत्य नाम जो करे पुकारा, तब भव जल उतरेगा पारा, सत्य पुरुष है अगम अपारा, ताको सब मैं कहूँ विचारा, आदि अनाम ब्रह्म है न्यारा, निराधार मैं क्यों पसारा, ताए पुरुष सुमरोरे भाई, तन छोड़े जीव सत लोक सिधाई, कहे कबीर नाम कह सोई, भरम छोड़ भव पारे हुई। अब कह रहे हैं भरम छोड़ो, आगे क्या कह रहे हैं, वाह कितना लताड़ा है साहब ने, जोगी जंगम सेवड़ा कर्मकांडी सन्यासी दरवेश खट दर्शन सभी काल के रेश, सबको समेट दिया और सबको होश में ला दिया साहब ने, बड़े बड़े से गोष्ठियाँ की, गोरख जैसी हस्तियों को अपने उसमें लिया, काशी का राजा वीर सिंह बघेल उन्होंने अपने पाले में लिया, कितनी बड़ी बात है। अवध पता है यूपी की जनसंख्या 28 देश यूरोपियन हैं, उनसे थोड़ी सी कम है बस, जर्मन 6-7 करोड़, फ्रांस 6-7 करोड़, इटली 2-2.5 करोड़ और एंथेंस 1.5 करोड़। इतना बड़ा राजा बिजली खान पठान नवाब, वो भी उनका शिष्य, काशी का सबसे बड़ा विद्वान सर्वदानंद पंडित भी कबीर साहब का शिष्य था। आप सोचें, और इतना करारा प्रहार किया उसने साहब ने आकर कुरीतियों पर, इसलिए कबीर साहब को क्रांतिकारी संत कहते हैं। अवन कसनी मिली, हुआ क्या काशी में, साहब क्यों आए, वो धर्म नगरी थी, आदमी पठन पाठन संस्कृत और आचार्य की डिग्री लेने काशी विश्व जाते थे और काशी हिंदू धर्म की राज, काशी में ही आकर के पहले डंका पीटा, संतो पंडे निपट कसाई, दक्षिणा कारण गला कटाई है, आप नर्क तो स्वर्ग पटाई है, बोला ये खुद नर्क में जाएंगे, तुम स्वर्ग की आकांक्षा करते हो। इतनी करारे शब्दों में उन्होंने खंडन किया। तब फिर क्या हुआ, सिकंदर लोधी को जलन की बीमारी थी, शरीर तिल में लाता था, उसने बड़ी बड़ी दवाएं वेदों की दवाएं ली, ठीक नहीं हुआ। किसी ने बोला काशी में जाओ, सिकंदर लोधी पहुंच गया काशी, बड़े बड़े महात्माओं का दर्शन किया, कुछ भी नहीं हुआ, रोग नहीं ठीक हुआ। साहब के विरोधियों ने शेख तकी को बोला, एक फकीर है कबीर, उसके पास ले जाओ ठीक करेगा। उन्होंने दिल में सोचा कबीर तो आड़ी टेढ़ी बात ही करता है, जैसे ही आड़ी टेढ़ी बात करेगा सिकंदर लोधी इसको ख़त्म कर देगा। उधर पासा उल्टा पड़ गया, सिकंदर लोधी जब साहब के पास पहुंचा और जलन का रोग उसी समय शांत हो गया, बहुत खुश हुआ, उसने कबीर साहब को अपने सिंहासन पर बैठा, हिंदुस्तान का बादशाह था। इतने में मौलवी और कर्मकांडी पंडित इकट्ठे होकर शेख तकी के पास गए,
बोला यार ये काफर आदमी है, ये हिंदुओं का भी विरोध करता है, मुसलमानों का भी करता है, इसको किसी तरह ठिकाने लगवा। मौलवी भी गए, पंडित पुजारी भी गए, शेख तकी ने कहा ये काफर है, इसका ख़त्म करो। सिकंदर ने कहा पीर जी आपने खुद कहा संत फकीरों को नहीं मारना चाहिए, साहब ने भी अपना जलवा दिखाना था। साहब ने कहा हे बादशाह जो तेरा पीर कह रहा है वो कर, मुझे कुछ नहीं होगा। साहब ने जलवा जो दिखाना था माहौल ऐसा बनाया। अजी कबीर साहब को कहा इनको तेल की कढ़ाई गरम करके बड़ा कढ़ाओ उसमें छोड़ो, भून दो इसको, इतनी बड़ी यंत्रणा। कढ़ाई ठंडी हो गई, बोला इसके पास त्राटक है, अग्नि शोधन है, इसको जंजीरें बांध करके पानी में डुबाओ। जब जंजीरें बांध कर पानी में साहब को फेंका, जंजीरें खुद खुल गई, साहब वहाँ पर आराम से लेटा हुआ। बोला इसको जल शोधन की सिद्धि है, ये ऐसे नहीं मर रहा है, इसको दफन कुएं में डालो मिट्टी से बंद कर। साहब को कुएं में डालकर मिट्टी से बंद करने लगे, पूरा कुआं भर गया। सिकंदर लोधी ने कहा हे पीर जी कबीर तो मेरे साथ बैठे हैं, किसको बंद कर रहे हो? फिर पागल हाथियों को सामने भेज दिया साहब के कि ये मारे। अब हाथियों को दो शेर दिख रहे थे साहब के साथ में, हाथी वैसे ही भग गए उधर से। फिर कहा इसको पिंजड़े के भूखे शेर के हवाले करो, शेर को हवाले किया, शेर साहब के पांव चाटने लगा। फिर एक बहुत बड़े योद्धा को बुलाया, ये ऐसे काबू नहीं आएगा, मुग्धर मारो। योद्धा की भी नानी का दूध याद आ गया, थक गया, आकर बोला इसको तो कुछ नहीं हो रहा है। इसलिए मैंने पब्लिक तक यह संदेश पहुंचाने के लिए 52 कसनी प्रिंट कराई है, ठीक है। दो सिकंदर है, एक मकडूनिया से आया, वो एक सिकंदर लोधी, भारत पर लोध वंश का शासन, वो सिकंदर लोधी था, 1400 कुछ ईस्वी में उसका हुकूमत थी। किसी ने एक दिन का बादशाह सुना है? नहीं। अरे हीरो एक दिन का बादशाह हिंदुस्तान के तख्त पर एक आदमी एक दिन का बादशाह हुआ था, एक फिल्म भी है, निकाल लांग, उसमें आएगा एक दिन का बादशाह कौन था। जब हुमायूं पर शेरशाह सूरी ने हमला किया दिल्ली में, हुमायूं ने शेरशाह सूरी को हराया था, नहीं शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हराया था, हुमायूं भग गया तो जमुना के मैं अंदर छलांग मारी डूब रहा था। एक दिन का बादशाह, एक दिन का बादशाह। तो बाद में हुमायूं जब राजा बना, हुमायूं जमुना में डूब रहा था, उसका नाम था, रुको मैं बताता हूं, कुछ चिश्ती चिश्ती टाइटल है इसमें, पूछो इसके Who was the king of the one day? निजाम। शेरशाह सूरी से मुगल शासक हुमायूं बुरी तरह हार गया और जान बचाने के लिए गंगा में कूद गया, जमुना में, ये उल्टा बोला, दिल्ली में जमुना में पानी अधिक होने से उसका घोड़ा डूब गया। उस समय निजाम भिश्ती ने ही बादशाह को डूबने से बचाया था। कौन? निजाम भिश्ती। हारे हुए बादशाह ने अच्छे दिन लौटने पर निजाम भिश्ती को इनाम देने का वचन दिया था। तुमने अपने बादशाह की जान बचाई, क्या चाहते हो? गुलाम ने अपना फर्ज अंजाम दिया जहां पना, हर दिल चाहता है तुम कुछ तलब करो।
बिश्ती से इनाम मांगने को कहा तो उसने हुमायूं से एक दिन के लिए बादशाह की गद्दी मांगी। ठीक है, अपन झूठ बोलते ही नहीं, बोलते हैं गप सब भी नहीं मारते, हम कॉल देकर कभी नहीं फिरा। तब उसने क्या किया, वो बिश्ती था, निजाम बिश्ती, बिश्ती कौन है, भोपाल में भी है, वो चमड़े की मशक में पानी भरकर पीठ पर, अमृतसर में भी पहले होंगे, बना भी दिया था। अगर सखावत सौ हम सहे जहां नीदी निसार हाथम थारी बसौ मी गर्दी हुमायूं शहंशाह हिंद कुर्बानस निजाम सकर ताजे शहन। एक दिन की सल्तनत मिलने पर निजाम बिश्ती ने राज्य में चमड़े का सिक्का चला दिया था। इसी निजाम बिश्ती की याद में मुगल काल में ही आगरा में एक मॉन्यूमेंट का निर्माण कराया गया जिसका नाम है झुनझुन का कटोरा। झुनझुन का कटोरा नाम के पीछे की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। दरअसल बिश्ती अपने मशक में पानी भरते थे। साथ में पानी पिलाने के लिए सिल्वर का कटोरा रखते थे। पानी पिलाने के एवज में मिलने वाली कौड़ियों को वे इस कटोरे में डालकर हिलाते रहते थे, इससे झुनझुन जैसी आवाज निकलती थी। इसी के चलते इस मॉन्यूमेंट का नाम पुरातत्व विभाग के रिकॉर्ड में झुनझुन का कटोरा रख दिया गया। मॉन्यूमेंट की शक्ल उल्टे रखे किसी कटोरे से कम नहीं दिखती है। निजाम सिक्का की कहानी यहीं समाप्त नहीं होती, ये कहानी वर्तमान तक यूं भी आती है। ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती जिनकी दरगाह अजमेर में स्थित है कहते हैं यहाँ पर भी ख्वाजा साहब के बड़े कुल की रस्म के बाद हर वर्ष निजाम सिक्का का उर्स मनाया जाता है। मृत्यु के बाद निजामुद्दीन में भी अभी तक उसका निजाम बिश्ती का बिश्ती भोपाल में भी थे बहुत सुपुर्दे किया गया, तभी से बिश्ती समाज निजाम सिक्का का उर्स मना रहा है। ये उर्स दरअसल अब्बासियन समुदाय की ओर से मनाया जाता है। निजाम बिश्ती का जिक्र अकबरनामा में भी मिलता है। निजाम बिश्ती उदाहरण है उन लोगों का जो अवसर का मुनासिब फायदा उठाकर अपनी काबिलियत जाहिर कर इतिहास में दर्ज हो जाते हैं। समझे ना, वो निजामुद्दीन बिश्ती की दरगाह है ना, तो बोला वहाँ पर अभी बिश्ती समाज, अभी भोपाल में बताता हूँ बिश्ती क्या थे। ये शायद गधे की खाल है या किसी की है, उसमें पानी भरते, शशि किसकी खाल है वो, किसी जानवर की पूरी खाल है। इधर लाओ मशाल, वो बिश्ती दिखाता हूँ। बिश्ती उसको बिश्त बोलते हैं, मशक भी बोलते हैं, इसलिए उसको बिश्ती टाइटल दिया, उसको बिश्त कहते हैं। उसमें वो मुँह पीठ पर लोड करता है, मुँह पकड़े रहता है, हाँ बेल्ट बंधे होते हैं यूँ आगे, और ऐसे पानी छोड़ता है। मैंने देखे वो बहुत बिश्ती थे वहाँ पर, जिन्होंने देखे हाथ खड़ा करे ये थे। वो एक दिन का बादशाह बना, चमड़े के सिक्के बनाए, अभी भी कलकत्ता के ऑडिटोरियम में वो चमड़े के सिक्के आज भी मौजूद है। क्यों बनाए डॉक्टर कुलदीप? क्या अपना निशान छोड़ने के लिए चमड़े का काम ही करते थे? दिखाओ सबको। नहीं, जब ये भिश्ती भिश्त मशक लीक हो जाती थी तो रिपेयर नहीं होती थी, इसलिए उसके पास बहुत टूटी हुई वो मशकें पड़ी थी। समझ में क्या था? उसने सोचा इनके सिक्के बहुत बना देता हूँ, इधर भी दिखाओ। अब समझे, टेक्निकल बात होती है डॉक्टर कुलदीप, मैं आपको रियल डॉक्टर बनाऊँगा, अभी एजुकेशनल डॉक्टर हूँ। देख रहे हो बिश्त, और उस जमाने में 1 रुपया लेते थे, वो पानी भर के आते थे, कुछ लोग बिश्त का पानी भी पीते थे पर हिंदू नहीं पीते। ये चमड़े का, ये कौन सा जानवर है, या तो गधा है, या तो कोई भैंस का या गाय का वो बछड़ा है, ऐसे ही ना, पूरी बॉडी है ना उसकी,
इस तरह राजा लोग थे। सिकंदर लोधी को साहब ने कहा, पीर जी की बात मान, जो कहकर मुझे कुछ नहीं होगा, हर तरह के हथ करने अपनाए। एंड में वो मान नहीं रहा था, बोला ये जादूगर है, ये तांत्रिक है। फिर बोला मेरी बेटी कब्र में दफनाई हुई है, 7 दिन हो गए मर गई, उसको जिंदा कर तब मानूंगा तू खुदा का रूप है। साहब ने वहां उन्हीं को खुद कहा हम ही खुदा। साहब गया कब्र के पास खड़ा हुआ, बोला उठ तकी की बेटी, नहीं उठी। फिर बोला उठ तकी की बेटी, नहीं उठी। फिर बोला उठ कबीर की बेटी, उठ के आ गई। शेख तकी बेटी से बड़ा प्यार करता था, बच्चा वैसे भी प्यारा लगता है, बेटी तो ज्यादा अट्रैक्टिव लगती है। क्रॉस सेक्स के कारण से आदमी को बेटी प्यारी लगेगी और माँ को बेटा लगेगा। माँ का अटैचमेंट बेटे से होगा और बाप का बेटी से होगा। जो मेरी इस बात से सहमत है हाथ खड़ा करें। शशि ठाकुर जी ने भी कहा, शशि ठाकुर की गुड़िया बड़ी निराली है। एक तकी की बेटी कब्र से उठी, बाप उसको आलिंगन करने लगा, छोटी थी, बोला ना तेरे नाम से नहीं उठी हूँ, कबीर के नाम से उठी हूँ मैं, आज से इनकी बेटी हूँ। वो उनकी बेटी कहलाई कमली। शेख तकी तब भी नहीं माना, बोला ये थोड़ा सांस रही होगी दबना दिया है। फिर गंगा के किनारे बैठे थे, एक लाश तैरती हुई जा रही थी सड़ी गली, बोला कबीर अगर तू है खुदा और उसका बंदा तो लाश को खड़ा कर। साहब ने कहा उठ, कुदरत के कमाल से सड़ी गली लाश उठी। तो शेख तकी के मुंह से निकला कमाल है, तो साहब ने कहा ये कमाल ही होगा। ठीक है, अब दुनिया ने क्या कहानी बनाई, उसकी बीवी लोई थी और उसका एक बेटी थी एक बेटा था, ऐसा कुछ नहीं था। जब वो जिसमें नहीं थे तो बेटी बेटी कहाँ से आई। कबीर चौराहे में आज भी ये मान्यता मानते हैं कि सही में कबीर दुल्हा था। इस पर साहब क्या करें, वह कबीर बहु भटका खाए, यह कबीर बहु बाड़ लगाए। कबीर साहब ने दुनिया को 52 कसनी दी है, किसी ने भी 52 कसनी नहीं दी, उसको उस तबके ने हाईलाइट नहीं किया। कहे कबीर सुनो धर्मदासा, जग जीवन की कथा प्रकाशा, आदि नाम हम भाग सुनाया, मूरख जी मरम नहीं पाया। जगत कहे जुलाहा अज्ञानी, हरिहर का कुछ भेद न जानी, नीच जात और भक्त का आई, हरि के दर्स कभू न पाई। साहब कह रहे हैं दुनिया कहने लगी ये जुलाहा नीच जात का है, उसने कभी हरिहर को देखा नहीं है, इसलिए भक्ति क्या करेगा। ये वेद पुराण गीता हम जाना, हमसे नाहक करे बखाना। वो कहते थे हम ग्रंथ पढ़े वेद पढ़े, नाहक ही ये बक बक कर रहा है, कुछ नहीं आता इसको। वाह, एक बार कर्मकांडियों का सम्मेलन था, उन्होंने प्लान किया यार ये कबीर आएगा डिस्टर्ब करेगा, तर्क रखेगा सुनता ही नहीं है और पूरा यज्ञ खराब कर देगा। वो बैठ के साथ खाएगा, कहेगा कौन सी जात है कौन सी बात है और एक ही राह से सब जगह है, दिमाग खराब करता है। प्लान बनाया जो संस्कृत के 7 श्लोक बोलेगा वही अंदर आएगा। तो कबीर साहब भी बड़े खिलाड़ी थे, भैंसे पर किताबें लाद करके वो जा रहे थे। जब मंडप में अंदर घुसने के लिए हुए, द्वारपाल ने रोका, बोला कबीर जी ये विद्वानों का वैदिक सम्मेलन है, इसमें वो जाएगा जो यहाँ 7 वेद के मंत्र पढ़ेगा। कबीर साहब ने कहा छोड़ो यार, भोजन भंडारा खाने जा रहा हूँ पंगत में, इसके लिए क्या बाधा डाल रहे हो, अपन अनपढ़ आदमी है। उसने कहा ना फिर अंदर नहीं जा सकते, इधर वही अंदर घुसेगा जो 7 वेद के मंत्र बताए। साहब ने भैंसे को सुना वेद, भैंसे ने 4 वेद मधुर कंठ से सुनाए थे। तो कहते वेद भैंसे से वेद पढ़ाया तो आदमी की बात क्या है। जुलाहा भूल गया अभिमाना, कह रहे मारे ये अहंकार में भूल गया, हमारे हनुमान जी ने 4 वेद बनाए, इसको क्या पता है अनपढ़ है। ब्रह्मा विष्णु शिव से और न देवा, ऋषि मुनि कर सब मिलकर इनकी सेवा, ले अवतार जीव जगाए, शालिक राम सूरत लगाए,
ब्रह्मा विष्णु शिव ही जगधाए, जुलाहा उल्टा ज्ञान चला। आपको भी कहते होंगे कहां से सीख गया हमारे, तू तो नास्तिक बन गया। वेद शास्त्र में हमने जाना, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर माना, सार वेद में देखा भाई, रजगुण तमगुण सदगुण संग, गीता भागवत पुस्तक नाना, धर्मदासा मैं सब भाग कहूं तुम पासा, वेद पुराण में नाम है भागा, वेद लिखा जानो तुम सारा, शेष शास्त्र मिल झगड़ा कि ना, ब्रह्म रूप काहू नहीं चीना, तुम देते आदिशन देते नहीं तुम। यजुर्वेद कह रहे नहीं, निराकार मीन्स नथिंग, वो ईश्वर अपने को पांच तत्वों में और प्रकृति रूप में अपने को परिवर्तित किया है, इसलिए इन्हीं तत्वों की उपासना, ये सर्वगुण ब्रह्म ईश्वर का ये रूप है। इसका मतलब है ऋग और यजुर् आपस में भेद है। और सामवेद कह रहा है न ईश्वर न साकार न निराकार, आत्मा ही परमात्मा है, यही सामवेद का संदेश है, यही महात्मा बुद्ध ने पकड़ा, ठीक है, वो ईश्वर नहीं मानते। अथर्ववेद क्या कह रहे हैं, न कोई आत्मा न कोई परमात्मा, कर्म ही सब कुछ है। इसलिए काफी लोगों से सुना होगा कहते हैं भैया कर्म ही धर्म है, तो चारों वेदों साहब क्या कह रहे हैं, मिल झगड़ा की ना, आपस में ही झगड़ रहे हैं, ब्रह्म रूप काहू नहीं छीना, ईश्वर को कोई नहीं जानता। साहब आप ही क्या कह रहे हैं, वेद हमारा भेद है, हम वेदों के मां हैं, जिस भेद में मैं रहूं वेद भी जानत ना है। देखा क्या कह दिया, वेद भी नहीं जानता। मूल नाम ना काहू पाए, साख पत्र का जग लपटाए, डाल पत्र जो कोई धरे निश्चय जाए नरक में पड़े, सब पत्तियों को पकड़े, डाल को पकड़े, तने को पकड़े, जड़ कोई नहीं पकड़ा। आदि पुरुष एक मूल है, निरंजन डारा, त्रिदेवा शाखा भये पत्र भया संसारा, कह रहे आदि पुरुष जड़ है, निरंजन डाल है और त्रिदेव शाखाएं हैं और बाकी संसार के लोग पत्र हैं। ये प्रमाण क्यों दिया, बाकी को क्यों पत्ता बोला, चेयरमैन साहब कौन बताएगा, पत्ते की लाइफ कम है ना, एक सीजन, शाखाएं लंबा चलती है लेकिन शाखाएं सूखती है, तना और अधिक चलता है, निरंजन है लेकिन सबकी जड़ परम पुरुष है। डॉक्टर कुलदीप कोई पूछना था क्या इस तथ्य पर, तो साहब कह रहे हैं आदि पुरुष निज मूल है, निरंजन डारा तना, त्रिदेवा शाखा भये, ये त्रिदेवा शाखाएं हैं, पत्र भये संसारा, बाकी संसार के लोग पत्ते की तरह, इसलिए उनकी उम्र एक साल कम है और शाखाओं की उम्र लंबी है और तना उससे लंबा है, मूल तो मूल है। भूले लोग कहे हम भाव पावा, मूल वस्तु बिन जन्म गवाया, वेद पुराण और वेद बखाने, सत्य पुरुष जग भेद न जाने, वेद पढ़े और भेद न जाने, नाहक यह झगड़ा ठाने, वेद पुराण यह कहे पुकारा, सभी से एक पुरुष नहीं आ रहा, वेद पुराण भी कह रहा है एक पुरुष नहीं आ रहा है, तीन देव पुरुष गम बन पाई, जग के जीव सब पर बुलाए, कह रहे तीन देव परम पुरुष का भेद नहीं जानते, शिव संकादिशेष, शिव जी हमेशा चिर समाधि में है, उसके लिए कहे कबीर सो पाइए कर सतगुरु की सेवा। जब ये स्थिति आई तो सोचो उनको कितना ज्यादा डिफिकल्टी आई, इसलिए उन्होंने साहित्य शिक्षा उनके हाथ में थी, पूरा उल्टा पुलटा करके कबीर साहब को ब्लैकआउट कर दिया। तत्व जीवन इसके पांव धोने के बाद चरणामृत से ये पेड़ हरा हुआ, उसी को गुरु बनाएंगे, तो सभी महात्माओं का चरणामृत लेते थे लेकिन वो पेड़ हरा ही नहीं हुआ, कबीर साहब का चरणामृत डालने के साथ तीन पत्तियां निकल आई पेड़ में, तत्व जीवा ने नाम लिया और वो अभी कबीर वट वृक्ष विश्व का सबसे बड़ा है, 12.5 एकड़ में है, निकालो 12.5 एकड़ में है। तो मुझे जब पता चला, किसी ने कहा वहां से महात्मा आया है बड़ोदरा से कबीरपंथ का, मैं कहा बहुत बड़ा महात्मा है, मैं उनके लिए तैयारी किया, सोफा वगैरह लगाया, चेयर लगाई, महात्मा आया सीधा दंडवत करके साष्टांग प्रणाम, यानी 8 अंग शरीर के
जमीन पर रखना, दो भुजाएं, दो शोल्डर चार, दो घुटने छः, दो पैर आठ, इसको कहते हैं साष्टांग, साष्ट अष्ट अंग झुका कर। वैसा किया, मैं हैरान हो गया। मैं बोला भाई बहुत बड़ा महंत है। मैं बोला महाराज कैसे आना हुआ? बोला यहाँ के लोग बेवकूफ़ हैं, आपके रहते रहते हमें बुलाया, दिए के नीचे अंधेरा। देखो ये वर्डिंग बोला। फिर वो क्या बोला पता है? महाराज मैं आपको कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ, पूरे भारत के कबीरपंथी जो काम मिलकर नहीं कर सके, आप अकेले ने कबीर को इतना हाईलाइट इल्यूमिनेट और रोशन किया, कबीर कबीर बना दिया पूरा आपने। गुरुदेव जी उसकी बात से कहाँ तक सहमत हो? मैं आपको बताऊं, मेरी विचारधारा, मेरे थिंग बहुत बड़े लोग फॉलो करते हैं, बड़े बड़े धुरंधर मेरे प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं, ठीक है। इस समय बड़े बड़े पंथ मुझसे डरते हैं। क्यों डर रहे हैं? उनके काफी लोग मुझे ज्वाइन किया है। अच्छा आज जो भोजन खाए, हाथ खड़ा करो, आज भोजन कैसा था? सही सही रिपोर्ट दो। अरे भोजन कैसा था? हमेशा से अच्छा था कि नहीं? ये मैंने 15-20 मिनट में कमाल किया, ठीक है। यहाँ से सत्संग करके मैं सीधा उधर गया, मैं पसीने से तरतर हो गया, तरोतर हो गया, और मैंने 20 मिनट में वो कमाल किया। वहाँ पाक बनाया, सब चीज़ देसी घी 4 kg डाल करके, स्पेशल पाक बना करके फिर सब चीज़ में डाला।